हेलो एवरीवन, यह है वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आप देख रहे हैं ईटैब ट्यूटोरियल सीरीज। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सर्कुलर स्टेयर की मॉडलिंग। तो अभी जो वीडियो चल रही है उसमें केवल मॉडलिंग चल रही है, कोई टेक्निकल पार्ट नहीं चल रहा। अगर आप पूछें कि स्टेयर की विड्थ थिकनेस कितनी होगी, कौन सा ग्रेड, लोड कैसे लगेगा, वो आगे की वीडियोज में होगा। अभी केवल हम ईटैब्स के टूल्स की बात कर रहे हैं, टूल्स कैसे काम करते हैं ईटैब के। तो हम सीखेंगे कि कैसे हम कोई चीज आर्क में और सर्कुलर कैसे हम ड्रॉ करें, कैसे कोई स्लैब या सेल्स को ड्रॉ करें। अगर आपको ड्रॉ करना आ गया तो आप मॉडलिंग कर सकोगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हमारे स्ट्रक्चर का है मॉडलिंग। मॉडलिंग के बाद आता है उसकी टेक्निकल पार्ट, जिसमें हम उसकी थिकनेस, ग्रेड, लोड, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो अभी जो फिलहाल चल रहा है आपका स्टेयर में, स्टेयर केस में, केवल मॉडलिंग पार्ट चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें एक ब्लॉक चाहिए जहां पे हमें सर्कुलर स्टेयर ड्रॉ करनी है। जैसे कि एक ब्लॉक ये है हमारे पास, और बीच में कोई एक सर्कुलर कॉलम है, और इसके चारों ओर ऐसे हमारी स्टेयर, सर्कुलर स्टेयर जा रही है नीचे। ठीक है, ऐसे नीचे जा रही है हमारी स्टेयर। तो हमें पहले एक ऐसा ब्लॉक ड्रॉ करना होगा, एक कॉलम यहाँ पे, एक कॉलम यहाँ पे, एक कॉलम यहाँ पे और एक यहाँ पे। रैंडमली कोई भी डायमेंशन ले लेते हैं अभी, और एक सर्कुलर कॉलम ले लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये दो दो मीटर ले लेते हैं इसको। स्टोरेज थोड़ी ज्यादा ले लेते हैं जिससे थोड़ा पता चले। ओके, ये हो गया, हम ऑल स्टोरेज कर लेते हैं इसको और कॉलम ड्रॉ कर देते हैं। यहां से कंक्रीट कॉलम ही ले लेते हैं, ये रहा, ये ब्लॉक लेते हैं, एक सर्कुलर कॉलम ले लेते हैं। अगर इसमें दिया हुआ है पहले से तो ठीक है, वरना एक कॉलम बना लेंगे। ठीक है, नहीं दिया हुआ, हम कॉलम बना लेंगे। बीम ले लेते हैं, कंक्रीट बीम, कंक्रीट बीम, अब डिफाइन कर लेते हैं एक सर्कुलर कॉलम। एफ सेक्शन के नाम से हमने कर लिया, अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये ड्रॉ हो गया, तो देखिए हमारे पास जो एक ब्लॉक आया है वो ये आया है। ठीक है, तो अब इस ब्लॉक के अंदर इसका प्लान पे जाते हैं। ये ब्लॉक है, और अब हमें जो स्टेयर ड्रॉ करनी है वो ऐसे इस सर्कुलर कॉलम के साथ रोटेट होती हुई नीचे जाएंगी। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अगर हम सर्कुलर आर्क की बात करें जो स्टेयर सर्कुलर बनेगी, तो उसकी रेडियस क्या होगी, विड्थ क्या होगी, यही तो होगी उसकी विड्थ, ये। तो पहले हमें यहाँ पे एक बीम बनाना होगा, फिर उस बीम को एक्सट्रूड करना है रेडियली और ड्रॉप करना है। अगर हम ड्रॉप नहीं करेंगे तो इस ऐसे बनता हुआ सीधा वापस इसी पे कनेक्ट हो जाएगा, और ड्रॉप कर देंगे तो एक नीचे एक फ्लोर पे कनेक्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या किया हमने, यहां से लेकर एक बीम ड्रॉ कर दिया इस जॉइंट से इस जॉइंट पर रेडियस बनाने के लिए। अब इस बीम को हमने सिलेक्ट किया, हम गए एडिट, एक्सट्रूड, फ्रेम टू सेल्स, क्योंकि हम फ्रेम यानी कि बीम से सेल बना रहे हैं। ठीक है, इसमें जाएंगे हम रेडियल में। ठीक है, अभी पिकअप पॉइंट है, हम जो आर्क बनेगी रेडियो किसके अबाउट रोटेट होगी, इस पॉइंट जॉइंट के। तो पिकअप पॉइंट से हम इस जॉइंट पे क्लिक करेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ सर्कुलर रेडियो आप सेल्स कैसे बनाते हैं, तो 5-5 डिग्री हम लेके चलते हैं, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं कि 5-5 डिग्री पे आपका वो रोटेट हो,
या पांच पांच ना लेके हम ले लेते हैं 15 15, यानी कि एक सेल, इसको थोड़ा सा और सही से समझाता हूँ मैं, यानी कि इससे जो एक सेल निकलेगी वो 15 डिग्री पे रोटेट हो जाएगी, फिर दूसरी निकलेगी 15, ऐसे होते होते 360 पूरा हो जाएगा हमारा और ये नीचे की ओर चला जाएगा, ठीक है। तो 15 डिग्री पे अगर एक सेल हमारी होती है तो नंबर ऑफ सेल कितनी होगी, मान ली कि एक सेल 15 डिग्री, दूसरी सेल 15 डिग्री, तीसरी सेल 15 डिग्री, और इनको कितना करना है 360। तो 15 डिग्री एक सेल है तो 360 करने में कितनी सेल चाहिए होंगी, डिवाइड बाई 15, है ना। तो देखिए ये टाइप की एक बहुत अच्छी चीज़ है, हम कैलकुलेशन यही कर सकते हैं, 360 डिवाइडेड बाय 15 यहाँ पे, और हमने जैसे किसी और सेल में क्लिक करते हैं कैलकुलेशन आती है। अब दिया हुआ है ड्रॉप, यहाँ से तो स्टेप्स निकलेंगे, जो स्लैब निकलेगी हमारी वो खत्म का होगी नीचे वाले फ्लोर पे, तो 3 मीटर का हमारी फ्लोर की हाइट है, तो 3 मीटर डाल दिया। ओके पे माउस ले आकर देखना है तो आपको ऐसे दिखाई देगी, और ओके कर देना है, थोड़ी देर रुकना है वरना हैंग हो जाएगा। तो देखिए सर्कुलर स्टेयर बन चुकी है, यहाँ से निकल रही है और ये ऐसे जाके नीचे वाले फ्लोर पर ख़त्म हो रही है, फिर वहाँ से निकल रही है, फिर ऐसे। इसका एक एक्सट्रूड देख लेते हैं हम, ये देखिए, अगर हम इसको देखें स्टोरेज वाइज तो कुछ ऐसा नजर आएगा, और अगर आप इसे 3D में देखना चाहते हैं रेंडर व्यू थ्री पे क्लिक करना है, व्यू पे जाना है और रेंडर व्यू, ये देखिए इसका रेंडर व्यू। तो ये केवल मैंने एक आइडिया बताया है कि किसी सेल्स को या सेल स्लैब को बोलते हैं इसमें, उसको कैसे हम सर्कुलर आर्क बनाएं और कैसे उसमें ड्रॉप डालें, और आपको अगर सर्कुलर स्टेयर बनानी है तो इसकी जो टूल्स पता चल गया है आपको, आप उसकी हेल्प से अपने अकॉर्डिंग मॉडलिंग कर सकते हैं। और जब टेक्निकल पार्ट आएगा तो टेक्निकल पार्ट भी मैं बताऊंगा, आज के लिए केवल मॉडलिंग, आप इससे किसी भी तरह की सर्कुलर स्लैब सर्कुलर स्टेयर बना सकते हैं। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं इसमें व्यूज़ के बारे में, कि व्यूज़ इतने कलरफुल कैसे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टिक मार्क पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैंने किया स्टोरे, यानी कि स्टोरे के हिसाब से अलग अलग कलर आएगा। फर्स्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, उस हिसाब से कलर आए। तो बीम कॉलम फ्रेम अलग हो गया, सेल्स का कलर अलग आ रहा है, ठीक है। अगर मैं करता हूँ सेक्शन प्रॉपर्टी, तो जिसका सेम सेक्शन है उनकी अलग प्रॉपर्टी, और जिनका अलग सेक्शन है उसकी अलग प्रॉपर्टी। अगर मैं मटेरियल करूँ तो जो जो मटेरियल की चीज़ें हैं, देखिए सारी कंक्रीट की है तो सभी का एक कलर हो गया। ग्रुप कोई बनाया नहीं है जो आगे बताएंगे, डिज़ाइन भी नहीं है, अभी ब्लैक एंड वाइट अगर आप करते हो तो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, ऐसे कलर प्रिंटर करते हो तो कलर प्रिंटर के लिए ऐसे हो जाएगा, और स्टोरी के लिए करते हो तो स्टोरी के लिए ये हो जाएगा। एक व्यू और है कि आप बैकग्राउंड अगर ब्लैक रखना चाहते हो तो डिस्प्ले, यहाँ पे आप कर सकते हो ब्लैक बैकग्राउंड, ये देखिए इस तरह से भी आप व्यू ले सकते। और एक रेंडर व्यू मैं आपको बता ही चुका हूँ, यहाँ से एक चीज और है इसमें, मान लीजिए आपको बीम कॉलम का साइज कुछ कम करना है तो आप कैसे करेंगे, इसी के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैं टॉप व्यू पे गया, मैं ग्रिड को भी ऑन कर लेता हूँ और वाइट में चले जाता हूँ, वाइट बैकग्राउंड मुझे वही पसंद है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक्सट्रूड भी हटा देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने सारे कॉलम सेलेक्ट किए, थ्री डी में देखिए सारे कॉलम सेट हो गए, और मैं गया असाइन में और फ्रेम और सेक्शन प्रॉपर्टी। अब जितने भी सेक्शन में कोई सा भी मैं उसको अप्लाई कर सकता हूँ, मैंने जैसे कि स्टील कॉलम अप्लाई किया, अभी स्टील कॉलम हो गई, एक्सट्रूड करेंगे तो एक्सट्रूड ऑप्शन आ जाएगा, देखिए लिखा भी आ रहा है स्टील कॉलम, ठीक है। तो ये हमारा स्टील कॉलम।
तो थैंक यू, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें सब्सक्राइब के बगल में जो है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो भी आपकी इंक्वायरी है या कुछ आप चाहते हो जानना तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।